माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा'स फूड कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करूंगी। आज हम जो है ये इंदौर से उड़े हैं दिल्ली की फ़्लाइट के लिए, और हम लोग फिर वहां से चंडीगढ़ गए थे और हम मनाली और शिमला घूमने गए थे। उसके बारे में आपको आज पूरा ट्रिप के बारे में बताऊँगी कि हम कहाँ कहाँ घूमे, और बहुत ही मज़ा आया। तो आप देख सकते हैं ये हमारी फ़्लाइट जो है टेक ऑफ हो गई है, और उसके बाद फिर हम भी चंडीगढ़ का मैं बताऊंगी, जो कि स्मार्ट सिटी बोलते हैं। वैसे ये उड़ते वक्त थोड़ा सा मुझे डर लगता है, और जब लैंड होती है फ्लाइट तब भी थोड़ा सा, लेकिन ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही अच्छा दिखता है ऊपर से जब ऊपर उड़ता है। और ये चंडीगढ़ जो है स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, सच में बहुत ही ऊपर से खूबसूरत दिखती है वो भी। तो यहाँ पर हमने लैंड किया क्योंकि डायरेक्ट मनाली की फ़्लाइट नहीं थी, तो फिर हमको यहाँ से वॉल्वो लेके जाना पड़ा। ये हम पहुँच गए हैं मनाली, और ये देख सकते हैं आप कि कितनी खूबसूरत नदी बह रही है। इसकी आवाज़ भी बहुत ही खूबसूरत थी, और एकदम पानी भी साफ था और ठंडा भी काफ़ी था, क्योंकि ठंड यहाँ अच्छी खासी थी। ये बहुत ही खूबसूरत जगह लगी मुझे। और ये आप देख सकते हैं कि सेब कितने सारे, करीब हज़ारों लगे होंगे एक ही पेड़ में, जो कि हम लोग के लिए थोड़ा नया था, क्योंकि हम लोग के यहाँ जनरली सेब दिखते नहीं हैं इस तरह से, लेकिन वहाँ तो हर किसी के घर में पर्सनल ऐसा लग रहा था कि सेब के पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं कितने एकदम फ्रेश और ताज़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भैया ने कुछ सेब बेचने के लिए तोड़ के भी रखे थे, तो हमने ख़रीदे और खूब खाए, और सच में इतने ज़्यादा जूसी कि बिल्कुल ऐसे रस मुँह में भर गया था खाया तो, और इतना फ्रेश और उसका टेस्ट भी इतना अमेजिंग लगा मुझे, और सस्ते भी काफ़ी थे। हमें 40 रुपये किलो में इतने अच्छे सेब मिल गए वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया दिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम रोहतांग पास जा रहे थे, तो रास्ते में हमें पैराग्लाइडिंग के लिए एक जगह पे हम रुके थे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें नेचुरल आवाज़ें भी हैं, और बहुत ही शांत और इतना खूबसूरत लग रहा था। ये बर्फ़ के पहाड़ आप देख सकते हैं, और उसके साथ ही हरियाली और एकदम शांति। ये इसलिए क्योंकि मैं अकेली रुकी थी, पैराग्लाइडिंग से मुझे डर लगता है, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी। और ये देवदार के लंबे लंबे वृक्ष जो आप देख सकते हैं, इतने खूबसूरत लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे जन्नत में आ गई हूँ मैं। वो बहुत अच्छा लगा, अकेले थोड़ा एंजॉय भी किया वहाँ मैंने। और ये पैराग्लाइडिंग कर रहा है मेरा बेटा, मुझे तो बड़ा डर लगता था इसलिए मैं नहीं गई, और मैं नीचे से वीडियो बना रही हूँ इन लोग की। थोड़ा रिस्की तो रहता, लेकिन अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता होगा आई थिंक। मैंने तो नहीं किया, बाकी इन लोग ने किया, और ऊपर से भी वीडियो बनाए इन लोग ने। तो ये मेरा नीचे से वीडियो आप देख सकते हैं, सेफली लैंडिंग, बड़ा मज़ा आया था इन लोग को, और बहुत ही खूबसूरत जगह थी, शांत ये बिल्कुल। और उसके बाद ये घोड़े दिख रहे होंगे आपको, इस पर हम बैठ के, और इतने डेंजर पहाड़ों पे चढ़े, पहली बार एक्सपीरियंस घोड़े पे बैठने का, लेकिन ये नज़ारा आप देख सकते कितना खूबसूरत है। ऊपर वाले ने कितनी खूबसूरती भरी हुई है दुनिया में, आप देख सकते हैं, उसका जितना शुक्र हम अदा करें उतना कम है। तो हम ये काफ़ी ऊपर पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल हमारे नज़दीक दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये जो दिख रहा है इतना ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए हम वहीं से लौट कर आ गए। और ये जो है अटल टनल है, जो कि रोहतांग पास से हम मनाली वापस लौट रहे थे, उस वक्त हमने ड्राइवर हमें यहीं से ले गया था। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल है, करीब 9.5 किलोमीटर लंबी टनल है ये। और उसके बाद हम जो है मनाली में ही एक जगह गए थे, वहाँ पर ये पर्शियन फल जो होते हैं वहाँ के कुछ हैं स्पेशल, वहाँ ये बौद्ध मंदिर में लगा हुआ था, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली। ये बौद्ध मंदिर बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ था, मैंने सोचा इसको भी आपको बताया जाए। बड़ी ही शांति थी, लोग वहाँ बैठे थे। और उसके बाद इसे तो आप पहचानते होंगे, ये चाइल है, यहाँ 3 इडियट फिल्म की मूवी की शूटिंग आपने देखी होगी, रणछोड़ दास का मकान ही ये दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी हम लोग घूमे, अच्छा था, शांत था, और फिल्म की शूटिंग की जगह जाते हैं तो एक अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग घूमे फिर, और उसके बाद ये है रास्ते में ही एक जो है अम्यूजमेंट पार्क जो है वो पड़ा था, तो वहाँ पे भी हम लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारे राइड वगैरह लिए, हॉरर भी था वहाँ पे कुछ, वो जोन बना हुआ वहाँ भी गए, ये आप देख सकते हैं वाटर बलून। और उसके बाद हम लोग फिर जो है एक वन विहार था बीच में, वहाँ पर भी रुके। ये आप लेपर्ड को देख सकते हैं, बढ़िया टहल रहा है बिल्कुल, वॉक करके बता रहा है हम लोग को, तो काफ़ी नेचुरल बना हुआ है वन विहार। और उसके बाद मॉल रोड, मॉल रोड तो हमें जाना बहुत ही पसंद है, क्योंकि खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे शॉपिंग के लिए चीज़ें भी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये हमारा नेशनल फ्लैग भी यहाँ लगा था, मेरी गर्दन इतनी ऊंची हुई नहीं, बहुत ऊपर था। और ये देख सकते हैं यहाँ भी 3 इडियट मूवी की शूटिंग हुई है, आपने देखा ही होगा,
बड़े यहाँ पे व्हीकल अलाव नहीं है, वॉक ही करते हैं जनरली लोग, तो अच्छा लगता है। और ये हम लोअर बाज़ार फिर गए थे मनाली में ही, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और ये भी पूरा जो है देख सकते हैं आप, मॉल रोड है पूरा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और कई चीज़ें हमने ख़रीदी भी। और अब यहाँ का आप जो चर्च है वहाँ पे आप माहौल, ये मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, बिल्कुल धुआं धुआं हो गया है, तो बड़ा ही अच्छा लगा हमें वहाँ पे टहल के। ये ऊपर से भी मैं आपको मार्केट बता रही हूँ, पूरा मॉल रोड दिख रहा है और ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये लोग यहाँ पे बढ़िया टहल रहे हैं, थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया है लोगों को टहलना, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा हमारा जो है शिमला मनाली का ट्रिप। और ये जो फरहान वगैरह बैठते हैं थ्री इडियट मूवी में, वहाँ पे बैठ के मैंने वहाँ की शूटिंग ली है, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा शिमला मनाली का टूर। और बहुत ही खूबसूरत जगह है वैसे ये, और शायद इसीलिए से देवभूमि भी बोलते हैं। और अब हम हमारे घर वापस लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी जगह और सुकून देने वाली जगह वैसे मेरे माने जाए तो अपना घर ही होता है, भले ही वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये आप खूबसूरत नज़ारा ज़रूर देख सकते हैं कि बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं एरोप्लेन से, बहुत ही अच्छा लग रहा था और बड़ा मज़ा आया और खूब थके भी। तो आप भी ज़रूर जाइए और इन्जॉय कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए मम्मा फूड कॉर्नर।